ये गाइस व्हाट्स अप। चलो आज के टॉपिक पे आते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ अ माइंड्स का दूसरा मेथड, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि हाउ अ माइंड इज प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ द नाइट्राइल। राइट, सो लेट्स सी व्हाट दैट इज। और पहले इसको देखते हैं क्या है। तो जैसे मैंने कहा, हमारा जो टॉपिक है वो है नाइट्राइल, नाइट्राइल टू अमाइन। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये आपके लिए थोड़ा एक पुराने टॉपिक से मिलता जुलता होगा, तो पर जब हम करते हैं तो इसको देखेंगे कि इसमें क्या सिमिलैरिटी है। तो जैसा आप जानते हो कि एक साइनाइड का मतलब है, नाइट्राइल का मतलब है RCN। ठीक है, जहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप एक साइनाइड के साथ जुड़ा होता है। और अगर आप एक अल्काइल साइनाइड को आप क्या करते हो, फुल रिडक्शन करते हो। मैं एक शॉर्ट में इक्वेशन लिख रहा हूँ, फुल रिडक्शन करते हो। तो फुल रिडक्शन के बाद क्या होता है कि यहाँ पर ये जो आपका रिएक्टेंट है अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। फुल रिडक्शन का एडवांटेज क्या होता है कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऐड होगा और यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऐड होगा, तो ये बन जाएगा क्या, RCH2 एंड NH2। तो ये है हमारे आज के टॉपिक का एक बहुत ही छोटा सा मेथड समझाने का। अब इसको एग्जैक्टली एक रिएक्शन के जरिए देखते हैं कि क्या रिएजेंट है, क्योंकि आप इस बात पे ध्यान दो, रिएजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। एक रिएजेंट पूरे केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट को, मेथड को, मैकेनिज्म को, सबको बदल देता है। तो अभी यहाँ पे फुल रिडक्शन की बात कर रहे हैं, तो चलो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैं बात कर रहा हूँ ये अल्काइल साइनाइड, ठीक है, जिसमें आपको रिडक्शन करवाने के लिए क्या होगा, आपको हाइड्रोजन की ज़रूरत है। और फुल रिडक्शन करवाने के लिए आपको याद होगा जूनियर से ही कि या तो आप प्लैटिनम, निकल या पैलेडियम जैसे कैटलिस्ट का यूज़ करोगे। तो होगा क्या कि ये फुल रिडक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ से दो बॉन्ड टूटेगा, कोई भी दो बॉन्ड टूटेगा, आपको उस दो पाई बॉन्ड है तो वही टूटेगा। तो दो हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा और दो हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन पे ऐड हो जाएगा। याद रखना, फुल रिडक्शन का मतलब है कि बॉन्ड का टूटना और पार्टिसिपेटिंग एटम्स पे हाइड्रोजन का ऐड हो जाना। ठीक है, तो इसलिए कार्बन पे भी दो हाइड्रोजन ऐड होगा और नाइट्रोजन पे भी दो हाइड्रोजन ऐड होगा। तो इसलिए ये बन जाएगा क्या, आपका एक अमाइन RCH2 सिंगल बॉन्ड NH2। तो ये बनाया आपने क्या, ये ध्यान देना, 1 डिग्री अमाइन। ये 1 डिग्री अमाइन मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइलाइड से जो अमाइन बनता है उसका एक डिसएडवांटेज है, वो ये था कि उसमें हर तरह के अमाइंस बन रहे थे। ठीक है, जबकि प्राइमरी वाला ज़्यादा यूजफुल होता है। तो ये एक ऐसा मेथड है जो उस प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व करने का एक डायरेक्ट मेथड है। आप फुल रिडक्शन करो नाइट्राइल का और ये बन जाएगा आपको अमाइन। ठीक है, पर अब एक इम्पॉर्टेंट बात पे ध्यान देना आप। इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर हम एक रिएक्शन को याद करें तो उस रिएक्शन में क्या था, स्टीफन रिएक्शन। ठीक है, तो स्टीफन रिएक्शन में ये था, स्टीफन रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन का उससे एक बहुत ही डायरेक्ट लिंक है। वो लिंक क्या है कि आप उसमें एक अल्काइल साइनाइड यानी एक नाइट्राइल को आप स्टीफन रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते थे। लेट मी राइट, पहली बात उसका नाम लिख रहा हूँ, स्टीफन रिएजेंट। अब अगर आप भूल गए हो कि ये स्टीफन रिएजेंट था क्या, तो ये था SnCl2 प्लस HCl। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्या है वो आप ध्यान देना जरा। ये एक पार्शियल रिडक्शन का तरीका है, ये पार्शियल रिडक्शन करता है, ये एक पार्शियल रिडक्शन करता है। इसका मतलब ये है कि आप एक स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट नहीं यूज कर रहे हो, तो हाइड्रोजन क्या होगा, दोनों में एक एक जाएगा, एक इस पे जाएगा, एक इस पे जाएगा। तो इसलिए जो प्रोडक्ट बन रहा था, अगर आपको नाम याद आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास प्रोडक्ट था ये वाला RCH और फिर उसके बाद था आपके पास NH। नाउ दिस वाज कॉल्ड आई माइन और यू ऑल्सो कॉल इट इमाइन। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इमाइन।
अब ये दोनों में फर्क क्या है और क्या रिलेशन में उस पर आता हूं। ये एक पार्शियल हाइड्रोजिनेशन का तरीका है, हाइड्रोजिनेशन, सॉरी इफ आई समहाउ यू नो मेड अ मिस्टेक टेकिंग द वर्ड। तो स्टीफन रिएजेंट एक पार्शियल हाइड्रोजिनेशन का एक मेथड है, जबकि निकल प्लैटिनम और पैलेडियम के पेरेंट्स में हाइड्रोजन ऐड करते हो तो हम इसको बोलते हैं फुल रिडक्शन। मैं यहाँ पे आपको मेंशन करके बताता हूँ कि ये क्या है, फुल यानी कंप्लीट रिडक्शन हो रहा है, कंप्लीट कंप्लीट रिडक्शन। और नीचे वाले मेथड में क्या है, नीचे वाले मेथड में है पार्शियल रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन। तो अगर आप नाइट्राइल का पार्शियल रिडक्शन करोगे तब तो आयमाइन बनेगा। फिर एक और स्टेप था कि अगर हम इसी का हाइड्रोलिसिस करते थे, अगर हम इसी का क्या करते थे, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस से क्या होता था कि कार्बन पे ध्यान से देखना कि ऑक्सीजन चला जाता था और ये NH बाकी दो बाकी हाइड्रोजन के साथ ये कन्वर्ट हो जाता था एक एल्डिहाइड में। तो मैं इसमें भी प्रोडक्ट आपको मेंशन करके बताता हूँ। तो ये बन जाता था RC डबल बॉन्ड O और H, यानी एल्डिहाइड बनता था और साथ में अमोनिया बनता था, साथ में क्या बनता था, अमोनिया। लेकिन अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसे रिएक्शन को यहां से बेंड कर रहा हूं, ठीक है, मैं ये हटा देता हूं। अब अगर आप आयमाइन बनने के बाद आप क्या करोगे, फिर से स्टीफन रिएजेंट का यूज करोगे, SnCl2+HCl का यूज करोगे, तो ये फिर से क्या करेगा, पार्शियल रिडक्शन करेगा और पार्शियल रिडक्शन से ये कंपाउंड भी दोबारा प्राइमरी एमाइन को प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस तरीके से दो मेथड हो गए नाइट्राइल से एमाइन बनाने का, पहला फुल रिडक्शन करोगे तो होगा, दूसरा पार्शियल रिडक्शन करोगे तो पहले आपको आयमाइन मिलेगा, लेकिन अगर आप आयमाइन का दोबारा पार्शियल रिडक्शन करोगे तो फिर अमाइन बनेगा। बट अगर आप आयमाइन का हाइड्रोलिसिस करोगे, ये क्या है, हाइड्रोलिसिस है, तो अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो ऐसी स्थिति में आपको मिलेगा क्या, एल्डिहाइड, तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ इनके बीच का रिलेशन आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक बट बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इग्नोर मत करना। मैंने पहले भी बोला था आपको केमिकल रिएक्शन के मेथड पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि आखिर क्या हो रहा है, ठीक है। चलो अब इसको देखो आप और फिर अगले टॉपिक में आपसे मिलता हूँ और फिर बताऊँगा कि और कौन से मेथड है प्राइमरी अमाइन या अमाइंस को प्रोड्यूस करने का, ठीक है। आज से थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।